अस्सलामुअलैकुम स्वागत है प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग मिगियाने मारे राजपूत और आज ने प्रोग्राम में हमारे नाल अहमद नजीब सत्ती नहीं बल्कि आसिम रियाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक, तुसा सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक जी। आज ने प्रोग्राम में जैसा गल कर सा एशिया कप सही पता है कि एशिया कप कल से शुरू पे परसों से शुरू पे आना पाकिस्तान इंडिया ना बहुत बड़ा मैच 28 तारीख की खेडा गैसी उसने पर भी गल कर सा पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड की भी डिस्कस कर सा पाकिस्तान नैदरलैंड जो सीरीज खेडी गया उसने पर भी थोड़ी जी गल कर सा उस अलावा इंग्लैंड ने टीम जो है पाकिस्तान ना दौरा कर सी इसी साल उसने पर भी जो डिस्कस कर सा और केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग आज दूसरा एलिमिनेटर खेला जाना और फिर कल फाइनल भी आ उसने पर भी गल कर सा तो आसिम भाई को तो पूछा कि ऐसा आसिम भाई स्टार्ट कुथू करा मैं सो की मशवरा देसा के चूंकि मौजूदा लीग होनी भी कश्मीर प्रीमियर लीग तो अगर असा उस पर गल करेगी नहीं तो काफी बेहतर हो सी। बिल्कुल जी आसिम भाई ने गल मन्ने हुए असा स्टार्ट कर सा कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद टाइगर्स और K2 टीवी जड़ाया इस लीग इच जड़ा एक दूए ने पार्टनर वी से लेकिन अनफॉर्चुनेट रही जी मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने टीम जड़ी के पहले ही राउंड इस टूर्नामेंट से बाहर हुई उसने वजूहात भी डिस्कस कर सा बारिशां काफी ज्यादा हुई उन्होंने भी मैचेस की डिस्टर्ब किया। आसिम भाई तुसा भी तकियो सी मैचेस भी तकियो सन तुसा पिछले साल और इस साल ने जड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग ना सीजन होया तुसा की फर्क क्या नजर आया? फर्क यही नजर आया कि पिछले साल चूंकि मौसम जड़ा वो काफी बेहतर सा कश्मीर ना अगर गल की जुला कश्मीर प्रीमियर लीग नी और तुसा ये देखा कि कश्मीर प्रीमियर लीग ना जड़ा पहला सीजन सा वो बड़ा टॉप उपर गया। इस दफा जड़े मैचेस रखे गए शेड्यूल जड़ा तय किया गया उसी मैं समझना कि इंतजामिया की चाहिए सा कि थोड़ा वो तकन और के मौसमी असरात कैसे है क्योंकि इस दफा बारिशा जड़ी हैं वो बहुत ज्यादा हुई बारिशा की वजह तो मैचेस काफी ज्यादा मुतासर हुए टीमा की उस तरह परफॉर्म करने का मौका नहीं लभी सकिया जिस तरह के असा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हाँ मुजफ्फराबाद ने जाहरी गल असा डिसाइड हाँ असा बड़े मायूस हाँ कि पिछली दफा असा टीम ने अगर जायजा कि दिया तो फाइनल ही जरा रही की असा टीम फाइनल तक असा टीम बड़ी आसानी क्वालिफाइड किया लेकिन इस दफा चूंकि कुछ मैचेस असाने बारिशा नहीं नजर हुई तो टीम उस तरह परफॉर्म करी गया अगे नहीं आई सकी लेकिन ये बड़ी खुशायन गल कि कश्मीर प्रीमियर लीग ना जो सीजन टू आ वो मतलब पूरे अपने जोर ना जो जारी उसारी रहा शायकीने क्रिकेट ने बड़ी तादाद जी है उस ग्राउंडा रुख किया और इसने नाल नाल सब तो वड्डी गल कि कश्मीर ने जोड़े नौजवान ने उन्होंने बहुत ज्यादा मौके इस प्रीमियर लीग तू जो मुयसर आए क्योंकि पिछली दफा भी तुम्हें पता है कि कश्मीर प्रीमियर लीग चू सलमान निशाद जमान खान जैसा टैलेंट निकली क्या PSL उन्होंने खेड़िया तो कश्मीरियां तो मैं समझना कि कश्मीर प्रीमियर लीग जी है एक बेहतरीन फॉरमैट आ बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ कि कश्मीरी नौजवान जोड़े आ उस कश्मीर प्रीमियर लीग ने जरिए अपनी सलाहित ने जोर दिखाई के अगे आ सकने PSL नहीं नुमाइंदगी कर सकने पाकिस्तानी टीम नहीं नुमाइंदगी कर सकने तो मैं समझना कि कश्मीर प्रीमियर लीग ने अगर थोड़ा जहा मौसम की हालात जोड़ा है उन्होंने की मद्देनजर रखने अगर शेड्यूल तय किया जुला मैं यही समझना कि थोड़ी जी इंतजामिया जी है वो थोड़ी जल्दबाजी करिए अगर ये मैचेस मूनसून बारिशा तू अगर थोड़ा जहा ठीक है तो अज नतज जो कुछ और होना बिल्कुल जी अज नतज जो कुछ और होना आसिम भाई गल मैं एग्री करी अगर मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर ने जितने भी लोग अगर तकने पे और लीग ने हवाले कोई गल करना चाहे तो नंबर फोन नंबर दस पर कॉल कर सकते हो 0514102357 0514102357 नंबर स्क्रीन पर भी नजर आ कश्मीर प्रीमियर लीग ने पिछले सीजन और इस सीजन क्या फर्क नजर आया इंतजामिया मैनेजमेंट जड़ी है और मुजफ्फराबाद ने जो लोग स्पेसिफिकली अगर तुम कॉल करो दसो तो एक्साइटमेंट लेवल कैसा असा उसकी वेलकम कर सी राय है उसकी भी आसिम भाई जी मुजफ्फराबाद टाइगर्स की गल की लेकिन इस दफा जो टीम अपर आई मीरपुर रॉयल्स लास्ट सीजन जो बिल्कुल बाहर हो गई इस दफा ओपर ओवरसीज वॉरियर्स लास्ट सीजन पहले राउंड बाहर हुई थी कोटली लास्ट सीजन पहले राउंड बाहर हुई थी लेकिन ये टीम जी उपर आई सबसे महंगी तरीन टीम जी जम्मू जामबाज से तुम्हें पता शाहिद खान आफरीदी शर्जील खान उमर अकमल फरहान आगा फरहान सारे प्लेयर सब तो मजे की गल यही मारिया कि इस टीम ने जो ऑनर से वो KPL ने टाइटल स्पॉन्सर से और इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद और आसानी कुछ शायकीने क्रिकेट नाल जदों गुफ्तगु होनी सी तां वो ये आखने से कि जी जम्मू जांबाज दी जिहड़ी टीम है वो बड़ी हार्ड फेवरेट टीम है टूर्नामेंट आस्तै लेकिन वो क्या आखने कि क्रिकेट है और क्रिकेट च कोई लफ्ज़ जिहड़ा हरफे आखर नहीं जिहड़े शायकीने क्रिकेट है या जिहड़े क्रिकेट की समझने जिहड़े क्रिकेट नाल दिलचस्पी रखने उन्हां की ये गल पता ही कि क्रिकेट च कोई भी लफ्ज़ हरफे आखर नहीं जब तक आखिरी बाल आखिरी ओवर नहीं डिलीवर नहीं होनी तब तक तुसां कोई फैसला नहीं दे सकदे हो मतलब तुसां जरूर
एक तजिए ने तहत तुसा ये आखी सकने हो कि फलां टीम जितसी, लेकिन बड़े ना होने की वजह तू टीम नहीं जितनी, ग्राउंड के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करना, जो अच्छा खेल पेश करना जितना हो गया जित हार खेलना ऐसा ही, इसी कोई बड़ी गल नहीं है। जित किसी ने भी होया, कश्मीर नहीं जीतो सी, कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं जीती सी, कश्मीर ने लोगों नहीं जीतो सी, कश्मीर ने आवाम नहीं जीतो सी। सब तो अच्छी गल है कि कश्मीर ने अंदर मुतवातर जिहड़ा एक एपीएल ना सिलसिला जारी आ, यह बड़ा खुश आइंदा, क्योंकि इस नाल जिहड़ा एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरी दुनिया ने अंदर, क्योंकि इस तू पहले असा तकने से कि पीएसएल बहुत अच्छी लीग ही, पाकिस्तान नहीं, कुछ टाइम तुसा की पता पिछे अगर जाइए दो चार पांच साल नहीं पिछे जाके गल करिए तो क्रिकेट ही पाकिस्तान च नहीं सी, मायूस से शैकीने क्रिकेट के केड़ा टाइम हो सी पाकिस्तान ने अंदर। फिर अलहमदुल्ला एक टाइम ऐसा आया कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने अंदर पीएसएल होया बल्कि कश्मीर ने अंदर दूआ सीजन जिहड़ा कश्मीर प्रीमियर लीग ना जारी आ, अज उसना सैकंड एलिमिनेटर भी आ, राती 9 बजे पहला मैच तुसा की पता बारिश नहीं नजर हुई गया, उम्मीद करने हैं कि असा दुआ ही करी सकने हैं कि अल्लाह पाक मौसम बेहतर होवे, क्योंकि शैकीने क्रिकेट मायूस होने जो बारिश हुई जैसी मैच ना हो सी ते लोगों ने जेड़े चेहरे है ना वो मुरझाई जसन, क्योंकि लोगों टिकट भी खरीदे होने, फिर लोगों ना दिल करना कि ग्राउंड जाइ के लाइव मैच तकने ना एक अपना ही मजा आ। तो इस वास्ते जेड़ा कि असानी दुआई के मैच हो ही जावे। आसिम भाई तुसा पॉइंट्स टेबल भी दसो, क्योंकि अभी तक जड़ाया केड़ी पोजीशन पॉइंट्स टेबल पर रही सी, एलिमिनेटर सा की पता, क्वालीफायर भी जड़ाया वो भी हो गया, वीरपुर बगैर खेडे जड़ाया वो फाइनल पहुंची गए, दूआ एलिमिनेटर भी जड़ाया ओवरसीज जड़ी है वो भी एलिमिनेटर टू भी पहुंची गई, लेकिन पॉइंट्स टेबल जड़ाया उसकी सिचुएशन अगर सही दसा तो टॉप कीता सा इस सीजन पर मीरपुर रॉयल जी। बिल्कुल जी, मीरपुर रॉयल जड़ाया वो इस सीजन छे मैच खेड़े, चार मैच उन्हें जीते, दो मैच उन्हें लूज किए, 8 पॉइंट नाल वो सैरे फेरिस्त थे। इस तरह अगर गल करी जो है बाघ स्टालियंस नहीं, बाघ स्टालियन की टीम भी छे मैच अपने खेड़े, त्रै मैच उन्हें जीते, दो मैच उन्हें लूज किए, एक मैच उन्होंने जो है बारिश नहीं नजर होया, मैं उन्होंने जो पॉइंट टेबल पॉइंट पर 7 पॉइंट की नहीं है उस दूसरे नंबर पर। इस तरह ओवरसीज वारियर जी कि जिक्र किया कि ओवरसीज वारियर पिछली दफा दूसरे ऑफ च नहीं पहुंची सकी, ठीक है पहले ऑफ च ही बाहर होगी, तो ओवरसीज वारियर भी 6 मैच खेडी गए, 3 मैच जीते, 2 मैच नाजरीन उन्होंने लूज किए, एक मैच उन्होंने भी बारिश नहीं नजर 7 पॉइंट नाल। और इस तरह कोटली लायंस 6 मैच खेडी, 2 मैच उन्होंने जीते, 3 मैच उन्होंने लूज किए 5 पॉइंट नाल। चौथे नंबर पर जंबू जांबाज ने टीम बड़ी तगड़ी बड़ी महंगी टीम सी नाजरीन, 6 मैच उन्हें खेडे जी, 2 मैच जीती सके, 3 मैच हार उन्होंने नसीबा चाई, एक मैच उन्होंने भी बारिश नहीं नजर होया। इस तरह रावला कोट साक्स नहीं अगर गल करिए पिछली दफा उसने कप्तान से टाइटल उन्हें जितया, बड़ी अच्छी गल सी, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, फाइनल जीते से वो 6वें नंबर पर। और मुजफ्फराबाद टाइगर जिसने नाजरीन असा ऑफिशियली पार्टनर है, असा की ये दसने बड़ी तकलीफ होनी थी लेकिन हकायक ही है, हकायक असा छुपाई ना सकने। तो मुजफ्फराबाद टाइगर की टीम जी 6 मैच खेडी, 2 ही मैच जड़ा असा ने नसीबा, एक बारिश की नजर, 3 मैच असा लूज किए। तो मैं समझना ये खेल हार तो जीत चलो आनी रहनी, लेकिन खुशी की गल है कि यह लीग जी है वो कामयाब जा रही, इस लीग की लोग पसंद कर रहे, और इस लीग ने जरिए कश्मीर ना एक बड़ा प्यारा इमेज पूरी दुनिया ने सामने उभरी है, और दुनिया ने अंदर किधर भी शैकीने क्रिकेट जितना मौजूद है, क्योंकि पता कि पाकिस्तानी शैकीने क्रिकेट नहीं अगर गल करिए तो दुनिया ना कोई ऐसा कोना नहीं कि जितने पाकिस्तानी शैकीने क्रिकेट मौजूद ना होवन, या भावें केपीएल होवे तो भावें पीएसएल होवे, तो पाकिस्तान ने अंदर कोई भी लीग होनी होवे इंटरनेशनल उसकी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाना। और पाकिस्तानी टीम किसी भी जगह जावे किसी भी मैदान ने अंदर उत्थे लोग जड़ा उसकी सपोर्ट करने से पहुंची जुड़ने, सब तो बड़ी गल कि पाकिस्तान ने जो शैकीने क्रिकेट है चाहे उन्होंने तालुक कश्मीर नाल है, चाहे उन्होंने तालुक केपीके नाल है, चाहे पंजाब नाल है, चाहे सिंध नाल है, लेकिन खेलों नाल मुहब्बत करनी है कौम। तो इस वास्ते जड़ा कश्मीर प्रीमियर लीग ना सब तो खुशायंद गल ही है कि अज जड़ा दूसरा एलिमिनेटर साड़ी दुआई हो जुड़े ते लोग मैच तकन मैच उसी यानी हाँ। इसने पर संगल कर सा जी उन किन्ने यानी कि जी ब्रेक और ब्रेक वापस है जी फिर मजीद डिस्कशन अपनी जारी रखने हैं। वेलकम बैक जनाब सब तक ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक और जी ऐसा नहीं कॉलर सनल मौजूद है उन्होंने गल करने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज आ रही है जी। भाई क्या कहना चाहेंगे जी? मियां मोहम्मद अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, बताइएगा।
असल में मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा था कि पहले तो ये कि आपका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है स्पोर्ट्स मैक के नाम से। थैंक यू। तो इसमें मैं एक ये भी सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जो क्रिकेट है बेसिकली, इसके लिए जब तक हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अगर हमें एक अच्छी जो ना टीम जब तक ही ना मिलेगी तो हम ये इंटरनेशनल लेवल को मीट नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या दूसरे और जो कंट्रीज हैं, वो स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे वो बहुत प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो नो डाउट हमारा अल्लाह का शुक्र है इसमें माशाल्लाह हमारे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे हैं। तो ये जो लीग्स हो रही हैं मुजफ्फराबाद में जो मैचेज हो रहे हैं या दूसरे और माशाल्लाह, तो मेरी ये सजेशन है कि ये काइंडली इस तरीके से, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि और भी जो हमारी गेम्स हैं, जैसे कि अभी आप देखें कि रेसलिंग में या दूसरे हमारे और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे गुजरांवाला के जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो ऐसी जो गेम्स हैं उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट एक माशाल्लाह इसके शायकी ने क्रिकेट बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी ये दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं इसको भी प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, ये मेरी एक सजेशन है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, आपने कॉल की, आपकी सजेशन हम अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात भी करते हैं हमेशा। और आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे या जितने भी पार्टिसिपेंट थे कॉमनवेल्थ गेम के, उनको बुलाया भी है आज वजीर आजम हाउस से, मैं उनसे मुलाकात भी की है। और साथ साथ एक अच्छी खबर, जो हमारे डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स बंद हुई थी उन सारे डिपार्टमेंट्स को वजीर आजम ने यह कहा है कि आप दोबारा से खेलों की जो एक्टिविटीज हैं उनमें जो है वो इन्वेस्ट करें, और डिपार्टमेंट्स जो बंद हुए थे लास्ट गवर्नमेंट के दौर में उनको भी खोलने का वजीर आजम ने इंडिया दिया है और हुक्म भी दिया है। तो उम्मीद है कि ये सारे डिपार्टमेंट खुलेंगे भी और हमारे जो प्लेयर्स हैं अदर देन क्रिकेट जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनको भी जो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपका आपकी बहुत अच्छी सजेशन थी, हमने उसे अपने प्रोग्राम में शामिल भी किया। आसिम भाई आपसे मारा तो सांगुल क्वेश्चन हाँ उर्दू से शिफ्ट करें आप उठवारी पर कि जिस तरह पीएसएल है, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज जड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, केपीएल जिस तरह गल करो तो केपीएल ने खिलाफ या केपीएल नहीं जाने के पाकिस्तान कोई और लीग हो या उसने भी स्टार खेलने जैसे बाबर आजम रिजवान ना की एनओसी नहीं मिलना और जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने प्लेयर है और एनओसी उन्हें की नहीं मिलना कि कश्मीर प्रीमियर लीग वास्ते गल करने के इंडियन इंडिया बिच कोई और लीग नहीं होनी, लेकिन इंडिया बिच डिफरेंट लीग्स होनी, केरला लीग्स होनी, जितनी भी लीग होनी होनिया डोमेस्टिक लेवल पर बहुत सारिया लीग्स होनी, लेकिन जी रैवलरी चलनी कश्मीर प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, इसने इस हवाले तो सा ख्याल आ मारिया तो सवाल बड़ा अच्छा है। इस हवाले इस हवाले मैं तुम्हें दसा कि पीसीबी की सोचना चाहिए और मैं इस केटू टेलीविजन ने अपने इस चैनल ने वसात न पीसीबी और स्पेशली रमीज राजा साहब चूंकि चेयरमैन है पीसीबी ने उन्हें की सोचना चाहिए कि क्या ही खूब हो है कि अगर पीसीबी केपीएल करावे, क्या ही अच्छी गल हो कि अगर पीसीबी केपीएल करावे, उस नाल यह होसी कि एक तो मजीद निखार पैदा हो सी, दूसरा चेक एंड बैलेंस हो सी, और दूसरा दुनिया ही क्रिकेट दूं ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स, कश्मीर ने क्रिकेटर्स नहीं पूरी दुनिया तो क्रिकेटर्स जड़ा वो कश्मीर प्रीमियर लीग आ सकने, जिस नाल तको कश्मीर प्रीमियर लीग होवे या पीएसएल, सोचना है कि दो ही लीगां जड़ियां हैं वो किस नहीं पाकिस्तान या लीग हैं। तो पीसीबी की इस पर बड़ा मैं समझना कि इनिशिएटिव करना चाहिए, केपीएल इंतजामिया नाल सिर जोड़ी के बहना चाहिए और बकायदा जेडे असा ने इंटरनेशनल प्लेयर है बाबर आजम है दीगर जो प्लेयर है जिन्होंने ना आया जो एक ब्रांड है पाकिस्तान है, वो लोग अगर केपीएल खेड सन तो एक पाकिस्तान ना सॉफ्ट इमेज, एक कश्मीर ना सॉफ्ट इमेज, एक पूरी दुनिया ने अंदर जासी, फिर तुसा ओवरसीज अगर खिलाड़ियों की दावत देसो जिस तरह केपीएल ने पीएसएल ने अंदर खेडने, तो जाहरी गल है पीएसएल तुसा तको कि दुनिया की बेहतरीन लीग ही, एक कश्मीर प्रीमियर लीग भी दुनिया की बेहतरीन लीग हो सकनी, लेकिन पीसीबी की थोड़ा जहा सन्सियर होना चाहिए ना, एक तो अगर चलो उसकी नहीं भी ऑन करने, लेट्स सपोज अगर इसकी ऑन नहीं करने कि वो आखने कि असा केपीएल की ऑन ना कर सकने, असा नल अगर केपीएल की ऑन कर सा तो मे भी शायद उन्होंने जहन च हो कि पीएसएल मुतासर हो सी, अगर उनकी ये खदशा है तो वो बेशक इसकी ऑन ना करन, लेकिन कम अज कम जे असा ने इंटरनेशनल खिलाड़ी है जे जिन्होंने एक ना आ जिन्हें दुनिया ने अंदर क्रिकेट नहीं दुनिया में पाकिस्तान ने जो परचम उसकी सरबुलंद किया उन्हें कम अज कम इजाजत जरूर देवन, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र किया कि शायकी ने क्रिकेट जे बड़ी मुहब्बत करने क्रिकेट नर और अपने स्टार्स की इन ग्राउंडा ने अंदर तखना चाहे तुसा की पता कि बहुत घट लोगों की मौका मिलना कि इस तरह ग्राउंड्स ने अंदर जुली गए अपने स्टार्स की तरह। मैं इस गल इस विच ऐड कर सकें कि जिहड़ियां पीएसएल 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं
ना तो चाहिए कि पी एस एल ने अंदर ही टीम ऐड होवे, उन्हें भी पूरा एक कॉन्टैक्ट किया जी 10 सीजन तो बाद कोई टीम ऐड ऑन नहीं कर सकना तुसा। मतलब तुसा की पता कुछ लोग जड़े इन्वेस्ट करना चाहने क्रिकेट ने अंदर, जिस तरह कुछ ऑनर्स है जिन्हें के पी एल इन्वेस्ट किया या जड़े जूनियर लीग में इन्वेस्ट करना चाहने, दे वॉन्ट टू बाय अ टीम इन पी एस एल, लेकिन के पी एस एल फ्रेंचाइज ये भी नहीं चाहिए कि उत्थे एक टीम भी ऐड होवे, ना वो चाहिए कि पी जी एल होवे, ना वो चाहिए कि कश्मीर प्रीमियर लीग होवे। मतलब एक तरह की उजारादारी या डिक्टेटरशिप They are trying to do it. देखो गल तुसां बड़ी अच्छी की थी, लेकिन गल यही कि ये तको फिर मुड़ी थोड़ी के जिहड़ी गल ही ना वो पीसीबी पर सी। बिल्कुल पीसीबी की चाहिए ना कि कुछ सख्त फैसले किन्ने पैसण मुल्की मुफाद विच, बिल्कुल क्रिकेट ने मुफाद विच, शैकीने क्रिकेट नहीं उमंगा की मद्देनजर रखने आया। पीसीबी की ये चाहिए ना कि वो बकायदा तौर पर कोई फैसला करे और फैसला करी सकने। तको रमीज राजा साहब ये फैसला करी सकने। तुसा की पता कि जिस टाइम वो शुरू चाहे से तो उन्होंने कुछ फैसले के दे से, इस तरह उन्होंने फैसला करना पैसी। मैं समझना है कि केपीएल ने अंदर पीएसएल ने अंदर एक टीम नहीं बल्कि दो टीम ना इजाफा होना चाहिए। जाहिर गली लोग असन क्रिकेट मजबूत हो सी, पाकिस्तान मजबूत हो सी, बोर्ड असाना मजबूत हो सी और ज्यादा प्लेयर्स की मौका लब सी, ज्यादा लोगों की अपनी सलाहितां उजागर करने का मौका लब सी, ज्यादा तो ज्यादा टैलेंट। जिस तरह मियां अकरम साहब गल की थी कुछ देर पहले फोन पर के स्कूल लेवल ग्रास रूट लेवल पर जड़ा असा की सोचना चाहिए कि असा प्लेयर निखारने किस तरह। आसिम भाई तुसा नी गल में कटनी पिया उसने वास्ते माजरा तसा की कहां सही कॉलर एक ज्वाइन करने पे उन्होंने गल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? मैं मैडम जी मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपने नंबर भेजा था उस पे अभी कॉल किए। जी भाई बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है 28 अगस्त को, उसके लिए आप एक्साइटेड हैं? वो बात तो सही जी मैडम, असल बात ये है ना कि हमारे जो टीम है असल शहनशाह फरीदी नहीं है, उसी की जगह आमिर को लाना चाहिए था और उसके बाद अभी और टीम की थोड़ा से मुझे कमजोरी नजर आ रहा है तो इसलिए बता रहे आपने। चलें जी, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा कि आमिर को मोहम्मद आमिर को लेके आना चाहिए था शाहिनशाह अफरीदी की जगह, और मोहम्मद हसनैन आए हैं जी, अच्छे अच्छे बॉलर हैं, चाहते तो हम सब यही थे, हर किसी की अपनी अपनी आसिम भाई एक पसंद थी, माड़ी पसंद थी कि मीर हमजा खेडा, क्योंकि मीर हमजा काफी चंगी बॉलिंग की थी सी कश्मीर प्रीमियर लीग में, उससे पहले भी वो काफी अच्छी बॉलिंग करने रहे, लेकिन मोहम्मद हसनैन क्योंकि फिर हुआ गल मीर हमजा कश्मीर प्रीमियर लीग में बॉलिंग की थी, तो हसनैन जड़ा इंग्लैंड बॉलिंग की थी, इंग्लैंड वाला जड़ा है ना वो प्रायोरिटी की नहीं, इंग्लैंड वाले की ज्यादा मौका देता जा सी क्योंकि उस अच्छी जगह क्रिकेट खेली के परफॉर्म किया। केपीएल चूके तुसा की फिर गल हुई आ जानी, एक गल असा ऑलरेडी करी चुके हैं, ठीक है, तो जाहिर गल ही वो मौसमी लिहाज नाल भी काफ़ी फर्क आ, इंग्लैंड नहीं पिछा और पाकिस्तान नहीं, और स्पेशली जी आजाद कश्मीर नहीं मुजफ्फराबाद नहीं पिछी, इसी बड़ा डिफरेंस आ, तो इस वास्ते जोड़ा वो मोहम्मद हसनैन मैं समझना कि बेहतर आ, काफ़ी चॉइस हर बंदे नहीं अपनी है, लेकिन असा पूरी उम्मीद हाँ कि मोहम्मद हसनैन कम बैक किया, बड़ी मुश्किल नाल उन्हें कम बैक किया, तो इंशाल्लाह असा उम्मीद करने कि वह अच्छा परफॉर्म कर सन। अगर तको अजकल क्रिकेट इतना ज्यादा मामला थे कि जेड़ा परफॉर्म करसी रहसी हुआ है, बिल्कुल इसको की पता कि पीछे अंबार लगे, ठीक है, जेड़ा परफॉर्म करसी वो खेड़सी, जेड़ा ना परफॉर्म करसी वो बार बे के ताड़ियां ही बजासी। बिल्कुल जी, जेड़ा परफॉर्म करसी वो टीम ने हिस्सा होसी और जेड़ा परफॉर्म नहीं करसी वो फिर बार बे के ताड़ियां बजासी। बड़ी चंगी गल की आसिम भाई, तो हुण थोड़ी जी गल कर सन जी पाकिस्तान नैदरलैंड, पाकिस्तानी टीम नैदरलैंड ने 3 मैचेस खेडे, वनडे मैचेस खेडे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन लास्ट मैच जी पाकिस्तान टीम बेंच स्ट्रेंथ चेक की थी, वो मैच असा पाकिस्तान आरना जीती गया, इसका मतलब है कि आसिम भाई कैसे नहीं बेंच स्ट्रेंथ इस काबिल नहीं है, उसने भी ट्रस्ट कितने तो गल ही के जिस टाइम तुसा तजर्बा करने हो ना किसी भी चीज ही भावे वो क्रिकेट ही है कोई भी खेला ना मैदान आ उस जिस टाइम तुसा तजर्बा करसो ना या तो तुसा बिल्कुल कामयाब हुई गैसो तो या तुसा बिल्कुल बेही गैसो, लेकिन अलहमदुल्ला खुशकिस्मती है पाकिस्तान नहीं कि बाबर आजम ने अगर जितनी तारीफ की जो वो घट है उन्हें तजर्बा तो जरूर किया, लेकिन नीदरलैंड ने अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और सब तो मजे की गल जी शैकीने क्रिकेट पूरी दुनिया चो नीदरलैंड पहुंचे। मैं पिछले प्रोग्राम भी जिक्र किया कि पाकिस्तान किसी भी जगह अगर क्रिकेट खेड़ी पाकिस्तानी टीम तो शैकीने क्रिकेट जो
पूरी दुनिया कोई दुनिया ना ऐसा मुल्क नहीं जिथे पाकिस्तानी मौजूद ना होन एका दुका ही होवन होसन सही तो वो अपनी टीम की सपोर्ट करने से भावे कला ग्राउंड ने अंदर पूरा ग्राउंड एक पासा होवे लेकिन वो अपनी टीम की सपोर्ट करने से पहुंचे होने क्या ख्याल है सुना भी बिल्कुल जी पाकिस्तान टीम की सपोर्ट करने से आसिम भैया क्या कि इक्का दुक्का ही हो सन लेकिन दुबई विच लास्ट वर्ल्ड कप में कवर किया था वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आसिम भाई 95% क्राउड जड़ा है इंडियन सा और 5% क्राउड पाकिस्तानी सा लेकिन जिससे पाकिस्तान वो मैच जितने नहीं पोजीशन इस सा और ग्राउंड बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस सा और वो 5% जड़ा सा उन्हें ना शोर असा की ज्यादा सुनाई असल वो जड़ा फिर 5% होना ना ये जमो के वो हैवी हो जुलना बिल्कुल जाहिर गली तुसा जिस टाइम सोनी टीम ना मुराल आपे ना ते जेड़े शैकीने क्रिकेट सोनी स्पोर्ट इच पावे सो की पता के पाकिस्तानी वैसे भी पूरी दुनिया पर भारी है के किधर भी होण इना गल अपनी करनी ठीक है ये पाकिस्तानियां ना खासा मैं मजाक तो हटी के गल करना तुसा पावे तादाद इच काटे हो लेकिन तुसा ना एक जेड़ा जज्बा है ना वो अल्लाह तआला नी तरफ तुसा की गॉड गिफ्ट आ मतलब और स्पेशली क्रिकेट तुसा तो कहो के कौमी खेल असा ना हॉकी आ लेकिन तुसा की पाकिस्तान ने अंदर सब तो ज्यादा लोग जेड़ा वो क्रिकेट की पसंद करने उसनी मेन वजह गई कि लोग जेड़ा वो तखना चाहने क्रिकेट ते इस वास्ते पाकिस्तानी किसी भी मैदान के अंदर होवन भावे वो ज्यादा तादाद च होवन ते भावे घट तादाद च गल उन्हें अपनी करनी तो लोहा अपना ही बनवाना बिल्कुल जी आसिम भाई ने जड़ी गल है कि पाकिस्तानी थोड़े भी होवना तो अपनी गल जड़ा है वो मनवाई सकने अगर तुसा सारे प्रोग्राम ना हिस्सा बनना चाहने हो प्रोग्राम विच कॉल करना चाहने हो तो सारा नंबर आ 0514102357 मैं एक बारी उर्दू विच भी दसी छोड़नी हां अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये मत समझिएगा कि हम पुटोहारी में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पुटोहारी कॉलर्स को ही अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे हम उर्दू भी बोल सकते हैं और हम उर्दू बोलने वालों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे तो हमारा नंबर है 0514102357 अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ऊपर बात करना चाहते हैं एशिया कप के ऊपर बात करना चाहते हैं या फिर कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप यू आर मोर देन वेलकम और अभी हम जो है वो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें स्टूडियो में एक गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे तो देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग वेलकम बैक जनाब सब तक नया प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग और मेरे नाल मौजूद है आसिम भाई जड़ाया असा गल की थी केपीएल अपर भी उस अलावा असा नैदरलैंड टू अपर गल भी की थी लेकिन पाकिस्तान इंडिया वो बड़ा मैच उस बड़े मैच पर गल करने वास्ते है एक सहाफी जिन्हें पिछला भी वर्ल्ड कप भी कवर किया और हूँ भी एशिया कप कवर करने वास्ते और दुबई भी झुलने पे साद अब्बासी सनल मौजूद है साद यंग प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम साद कैसे हैं आप बहुत शुक्रिया मेरी आपका और आसिम भाई आपका कि आपने अपने शो में दावत दी साद भी तुम्हारे प्रोग्राम में वेलकम करने साद पाकिस्तान और इंडिया 28 अगस्त असं जिस तरह आने ना कि क्रिकेट फैंस और स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो एशिया कप अनाउंस होया सा ना सबसे पहले जी डेट जड़ा है उसकी सर्कल कीता सा उसी 28 जड़ा है अगस्त उस अलावा भी एक पाकिस्तान मैच खेड सी दो मैचेस इस एशिया कप विच पाकिस्तान इंडिया ने खिलाफ खेड सी की अजी तैयारी है एक्सपेक्टेशंस क्या या ऑल्दो के बड़े ज्यादा लोग थोड़े से डिसहार्ट है कि शाहिन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेट रहे इंजर्ड हो गए तो तुसा ने किया जी एक्सपेक्टेशन है देखो जी आवाम बड़ी एक्साइटेड है कि पाकिस्तान ते इंडिया मैच होना 28 तारीख वो भी दुबई च अगर गल करा माजी ने जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप च इंडिया की 10 विकटों से शिकस्त दी उदा थोड़ा सा पाकिस्तान थोड़ा सा उसका एक एज हासिल हो सी पाकिस्तान की लेकिन जिस तरह गल की कि शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए उसका बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की और इंडिया की इसका बड़ा फायदा हुआ लेकिन अगर गल की जाए दूसरी तरफ से जो बुमराह है वह भी इंजर्ड ने शिकार है थे लेकिन ज़्यादा मसला पाकिस्तान की है क्योंकि इंडिया में देखा कि अक्सर जो बैट्समैन है शुरू ने रोहित शर्मा हो गए के एल राहुल हो गया विराट कोहली हो गए वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की थोड़े पसने उन्होंने की मुश्किल रखनी उन्होंने की खेलने वास्ते लेकिन इस बार पाकिस्तान में कोई मैं देखना मैं टीम में कोई फास्ट बॉलर लेफ्ट नहीं सारे राइटी है नसीम शाह है मतलब इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं होना कोई हसनैन इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं हारिस रोफ आया तो बड़े मैचेस खेले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस थे उन देखना है उसी कि पाकिस्तान टीम किस तरह अपने फास्ट बॉलर की बाबर आजम किस तरह अपने बॉलर की अजमासन ग्राउंड और बड़ा मैच है क्योंकि नब्स पर काबू रखनी पैसी और उसे ग्राउंड पता तमशाई बहुत उस तुसा भी उसका मैं भी उसका एक्साइटेड बड़ा मैच है तो इन शाला इस मैच की इंजॉय कर सकता तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ने जिस तरह वर्ल्ड कप शिकस्त दी तो वही दोबारा इन शाला पाकिस्तान इंडिया की शिकस्त देती टॉस दुबई ने क्रिकेट स्टेडियम में टॉस बहुत ज्यादा मैटर करना टॉस ना कितना किरदार हो सी देखो टॉस बड़ा अच्छा सवाल है टॉस मैंने तो कहना है कि जो टॉस जीत सी
वो पहले बॉलिंग कर सी ऑक्सी में चेज करना था जावा पाकिस्तान देखो सर पिछले बड़ी आसान गल चेज किया पाकिस्तानी स्कोर 152 स्कोर कोई आउट ही नहीं हुआ लेकिन दुई गल है कि इस वक्त दो मुख्तलिफ टीम जारी गल है वो दो पास बड़े बड़े प्लेयर हैं एक तरफ विराट कोहली इधर बाबर आजम है उन्होंने बड़ी अच्छी साइड है पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी साइड है लेकिन उस दिन पचल सिंह कल परसों पहला मैच है 27 तारीख देखना कि पहले मैच के बाद कंडीशन वाजे उसी दो टीम नोट कर सन उस बाद ही फैसला कर सन के टॉस जीत के बैटिंग करा के बॉलिंग करा पिच की तक सन तो फैसला उसी उस टाइम कर सन फिर बिल्कुल जी कल पहला मैच इवेंट ना एशिया कप ना मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान ने दरमियान खेड़ा गया सी मेजबानी श्रीलंका कोल सी एशिया कप नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेट है श्रीलंका ने कंडीशन श्रीलंका ने हालात ये जे कि उन्हें मैच जड़ाया नहीं हो सके और शिफ्ट किया गया एशिया कप दुबई और इस वक्त हमें एक टेलीफोन कॉल पे जो हमारे एक कॉलर हैं हमारे एक व्यूवर हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं मैं पिंडी से बात कर रहा हूं राजा साहब फिर तो तुसां की पुठवारी असनी होसी जी तुसां की पुठवारी असनी होसी असा जी एक तुम्हारा प्रोग्राम जेड़ा बहुत ही अच्छा है मैं रोजाना प्रोग्राम की जेड़ा तुम्हारा प्रोग्राम होना अंदर तक रहा हूं थैंक यू सो मच जी तुसा क्या आखसो पाकिस्तान इंडिया ना मैच आ उसने हवाले नाल क्या गल करना चाहसो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतती अगर अल्लाह नु मंजूर होया बिल्कुल त शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड है तुसा के कोई डर त नहीं के शाहिन शाह सु बगैर पाकिस्तान टीम कोई 19 भी हो सकना जी शाहिन शाह अफरीदी जेड़ा या टीवी अगर तुसा टीवी ऑन कीता त टीवी नी जेड़ी आवाज जेड़ा बंद करी छोड़े कट करी छोड़ो टीवी ने बात बंद कर चलें जी बहुत शुक्रिया आपका आप हमें कॉल पे ज्वाइन कर रहे थे राजा साहब थे जी पिंडी से और राजा साहब और उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी बात की प्रोग्राम की तारीफ की आपका बहुत शुक्रिया साथ हम बात कर रहे थे आसिम भाई हम टॉस की भी बात कर रहे थे बाबर आजम की और विराट कोहली की मुलाकात भी हुई पाकिस्तान ने पाकिस्तान के प्लेयर्स और अफगानिस्तान के प्लेयर्स की मुलाकात भी हुई और वो बड़ी अच्छी वीडियोस जो हैं वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई भी दी और एक बड़ी अच्छी वाइब मारिया मैं यहां पे आपको इंटरप्ट करूं अच्छा भाई मैं माजरत मैं थोड़ा दोवा के इंटरप्ट करना तुसा अगर पटवारी की बात करो तो ज्यादा बेहतर है जी बोलो साहब आसिम भाई देखो जी कल बाबर आजम जाने से प्रैक्टिस करके थे इंडियन टीम बाकी जाए सिर्फ मेरे नजदीक कोई 4 या 5 सेकंड में मुलाकात हुई उसी हाली शेक हैंड की शेक हैंड की दुआ सलाम की थी लेकिन और वीडियो तो तको ट्विटर फेसबुक तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह शाही के फैंस पागल हो गए आगे के बस इंतजार है कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी तुम गल की थी कोई शक नहीं तको पाकिस्तान और इंडिया ना जिस टाइम भी मैच होना तुसा की पता कि असा की ICC ने किसी मेगा इवेंट तो अलावा पाकिस्तान और इंडिया ने क्रिकेट तखने की नहीं मिलनी जिस असर शायकी ने क्रिकेट साल इंतजार करने कोई भी ICC ना मेगा इवेंट उसी तो उस पाकिस्तान की मौका मिलना कि जी पाकिस्तान और इंडिया ना मैच अचना तो इस असर जी कल की मुलाकात डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा साइन भी आ कि विराट कोहली आया उन्होंने बाबर नाल हाथ पंजा किया और गुफ्तगू क्योंकि लास्ट टाइम नहीं हार तो नहीं ना भूली सकते 10 विकटों की शिकस्त दी तो इस हस्ते ये बड़ा अच्छा साइन है क्रिकेट हस्ते और शायकी ने क्रिकेट हस्ते और दूसरी जानब असा ना मीडिया तुसा तको कि क्रिकेट ने अंदर अगर मैं गल ना करा तो बड़ी ज्यादती उसी साढ़े मीडिया की अगर गल की जाए तो बड़ा पॉजिटिव किरदार होना लेकिन अगर दूसरी जानब सरहद पवार की गल करो तो वह पता नहीं कि लवाजमात असा की नवाजने की कोशिश करने असा ये चीज़ चाहे हाँ कि पाकिस्तानी शायकी ने क्रिकेट पाकिस्तानी मीडिया जेडे लोग पाकिस्तान क्रिकेट न प्यार करने वो एक अच्छा पैगाम है देने कि जी क्रिकेट की क्रिकेट तक रखना चाहिए बिल्कुल सही क्रिकेट ने जरिए दूरियां घट होनी अगर पाकिस्तान और इंडिया ने दरमियान किसी भी वेन्यू पर हो चलो असा इंडिया ना जुलने या वो पाकिस्तान नहीं इसने तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज जरूर होनी चाहिए क्योंकि शायकी ने क्रिकेट की इंतजार नहीं करा उधर ने भी शायकी ने क्रिकेट इधर ने भी शायकी ने क्रिकेट ये दो शायकी ने क्रिकेट जिस टाइम भी तुसा तको कि पाकिस्तान ना मैच होना तो सियासी पारा जिस तरह नहीं चढ़िया होना अजकल पाकिस्तान ने अंदर सियासी पारा बड़ा आई है इस तरह पाकिस्तान और इंडिया ना जो मैच होना तो शायकी ने क्रिकेट ना जो पारा होना बड़ा हाई वोल्टेज फुल जरा करंट दोवे पास होना तो इस हस्ते मैं समझना कि वीडियो डेफिनेटली वायरल हुई और बड़ा अच्छा साइन आए शायकी ने क्रिकेट हस्ते और इंशाला असा पूरी उम्मीद हाँ आफ्टर ऑल मुड़ थोड़ के असा सपोर्ट अपनी टीम नहीं करनी गो के शाहिन शाह अफरीदी ने ना होने थोड़े जे शायकी ने क्रिकेट डिसार्ड है बिल्कुल तुसा साथ बड़ी अच्छी गल की कि खब्बे इंडियन जेडे ओपनर प्लेयर है एक दुनिया ने बेहतरीन प्लेयर है रोहित शर्मा KL राहुल तो को ये ऐसे प्लेयर है कि जिन्हें क्रिकेट ने दुनिया पर बादशाही की थी ये लाजमी गल ही मोहम्मद आमर ना अगर जिकर करिए उन्हें हमेशा इन्हें गिपसाया फिर आमर ना होए तो शाहिन शाह अफरीदी जिस टाइम होए
उन्हें असा कि आमर की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन हूँ चूंकि मौजूदा सूरत हाल ही पाकिस्तान को लेफ्टी पेसर मौजूद नहीं है जो इन्हें फसासी, लेकिन फिर भी असं उम्मीद करने कि असा को मारिया आसिम भाई तुसा जड़ी उम्मीद करने हो उसा को मैं बाद कुछ सा एक कॉलर से ज्वाइन करने पे अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉलर जो है हमारे चले गए हैं क्योंकि वो नाराज हो गए थे, हमने उनको थोड़ा ज्यादा इंतजार करा दिया, आपसे माजरत, दोबारा कॉल करेंगे तो हम जरूर आपकी कॉल को प्रोग्राम में शामिल कराएंगे। आसिम भाई इंटर तुसा अपनी कंटिन्यू करो। मैं यही गल करना है जी, बिल्कुल असा को जो बॉलर नहीं अगर जिक्र किया जो नसीम शाह ठीक अच्छी बॉलिंग उन्हें की और मोहम्मद हसनैन बड़ी अच्छे परफॉर्म किया इंग्लैंड। बिल्कुल हसनैन के मैं गल कर हसनैन नहीं मैं इतने गल कर सकता जिस तरह उन्होंने बॉलिंग एक्शन ऊपर पाबंदी लग गई इस दोबारा उन्हें बड़ा इंप्रूव करी आए हंड्रेड खेलने पे इंग्लैंड बड़ी अच्छी उत्थे उन्हें बॉलिंग की तो पीसीबी उन्होंने बड़ा गौर में चकना पैसे उन्होंने दस्ती एशिया कप बुलाया ने शाइन शाइन जगह तो मैं उम्मीद है कि शायद उन्होंने वो मैच खड़ावन भी इंडिया के खिलाफ मैं जो लग रहा है कि शायद वो हारिस रौफ नाल शायद पेस अटैक करन ते इत्थे गल कर सा असल स्पिनर्स नहीं थोड़े असल स्पिनर थोड़े तो कमजोर हो सन क्योंकि माजर की पता है उसने की पता है कि दुबई ने पीछे थोड़ा टर्न कम होना है तो नवाज हो गए शादाब खान हो गए उस्मान कादिर हो गए तो मैं नहीं लगना कि उस्मान कादिर की चांस दे सकें नवाज की शादाब भी खेल सकन क्योंकि नवाज भी सीधा सीधा बॉल करने और उत्थे इतना टर्न नहीं होना दुबई ने पीछे उन्हें पता है उत्थे जड़ा भी कम आसी मैं लगना पेसर ही कम आसी और उत्थे पार प्लेयर अवर बड़े मायने रख सकन क्योंकि शुरू जड़ा ज्यादा स्कोर करसी और जिससे और बड़ी अच्छी लगती थी टॉस टॉस ना बड़ा अहम फैक्टर उसी मैच और जो टॉस जिससे मैंने लगना पहले बॉलिंग करती लेकिन मैच बड़ा कल्टर है उसी क्योंकि आवाम बड़ी दिलचस्पी रखनी इस बड़े मैच ऊपर और ग्राउंड जिस तरह उसे बड़ा हाउसफुल होना और हर गेंद ऊपर उसे आवाम ने मैं रखना है सब पहले भी गेस है वर्ल्ड कप लोग दिल उन्होंने रखना है कि हर बॉल ऊपर बहुत बड़ा हाई वोल्टेज मैच है। बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच होना साहब तुम्हें दसो कि ड्यू फैक्टर जो दुबई ना वो कितना मैटर करसी इस मैच ही। एक और आसिम भाई पहले कॉल कॉलर फिर हमारे नाराज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? उस्मान रहमानी से बात कर रहा हूं। जी उस्मान क्या कहना चाहेंगे? उस्मान आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अपनी अगर जगह चेंज कर सके तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम के साथ बेस्ट विशेस है इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को पहले की तरह हराएगा। थैंक यू सो मच आपने पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस दी। आपका पैगाम पाकिस्तान टीम तक K2 की स्क्रीन के जरिए पहुंच चुका है जनाब और हम ड्यू फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे साथ लेकिन हम प्रोड्यूसर साहब जो है वो कह रहे हैं कि स्क्वाड पाकिस्तान टीम का स्क्वाड आपने अनाउंस करना है तो आसिम भाई आप जरा स्क्वाड पाकिस्तान टीम का बता दें। जी बिल्कुल जी अपने नाजरीन की दसने जुलिया है कि पाकिस्तानी टीम ने जी कैप्टनसी है वो बाबर आजम ने नाई शादाब खान आसिफ अली फखर जमान हैदर अली हारिस रऊफ इफ्तखार अहमद खुशदिल शाह मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजवान मोहम्मद वसीम जूनियर नसीम शाह शाहनवाज दानी उस्मान कादिर ते मोहम्मद हसनैन ये जी स्क्वाड आ पाकिस्तान ना और अगर गल की जुलिया मुखालफ टीम ने स्क्वाड नहीं चूंकि असा ना इस टाइम सारा फोकस नाजरीन जड़ा है ना वो 28 तरीक वाले मैच है बड़ा बाकी बाद में हां वो बाद में के जिक्र करना उसमें अच्छा मैच की बाद में बाकी मैच की असा जरूर डिस्कस करसा बाद में करसा और दूसरी तरफ अगर इंडियन गल की जुलिया तो रोहित शर्मा जी कप्तान है इंडियन क्रिकेट टीम ने KL राहुल है जी विराट कोहली है सूर्या कुमार यादव है ठीक है ऋषभ पंत है ठीक है दीपक हुड्डा है ठीक है दिनेश कार्तिक है हार्दिक पांड्या है रविंद्र जडेजा है रवि अश्वन है ठीक है यविंद्रा चावल है ठीक है हाँ चाहल ठीक है इसने नाल रवि बिशोनी है बिश्नोई ठीक है भुवनेश्वर कुमार है अरशदीप सिंह है अविश खान है ठीक है और स्टैंड बाय है स्टैंड बाय है ठीक है शेरियाश पर शेरियाश अय्यर अजहर पटेल और दीपक चाहर और साथ ही एक कॉल आ गई है तो हम कॉलर की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम रियासत है मैं पंजाबी से पंजाबी में बात करूंगा। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रियासत अली है और मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। आपको पठारी आती है या पंजाबी आती है? पंजाबी पंजाबी गल कर रहे हैं जी पंजाबी चैनल है ना के जी जी ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾ ਪੀਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾ ਪੀਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਬਨੌਸ ਹੋ ਗਏ
बिल्कुल जी बिल्कुल ताड़ा पॉइंट आ गया जी। बड़ी मेहरबानी तुसी कॉल कीती है, टाइम कढ़िया है, तुहाडा बिल्कुल पैगाम जिहड़ा है वह सुन लिता गया है बिल्कुल। लेकिन गल यह है कि हुण जिहड़ा है स्कॉट जिहड़ा है वह अनाउंस हो गया है, टीमां जिहड़ियां ने वह दुबई पहुँच चुकिया ने, प्रैक्टिस भी कर चुकिया ने। हुण तुसी इस उम्मीद जाहिर करो तो पाकिस्तानी टीम लई दुआवां करो कि वह पाकिस्तान ते इंडिया का जिहड़ा मैच है पाकिस्तान टीम नूं दुआ करो कि वह जित जाए, तो ताड़ा पैगाम जिहड़ा है वह आ गया जी। बिल्कुल जनाब, हुण असां किन्ना एक निकी जी ब्रेक और ब्रेक तों बाद वापस है जी, जिहड़ी बाकी टीम है उसकी डिस्कस करने आ के प्लेइंग 11 क्या होसी उसकी सारा कुछ डिस्कस करसा। असां प्रोग्राम तकड़े रहो। वेलकम बैक जनाब, सभी तक ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग, और आज फिर असन की एक प्रोग्राम में कॉलर मौजूद है, उन्हें की प्रोग्राम में शामिल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं परवेज करम तुमानी आजाद कश्मीर से। थैंक यू सो मच आपने कॉल की, बताइए क्या कहना चाहेंगे। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मैं अभी अभी देख रहा था, अभी बिजली बंद हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। हम अभी बाबा अपने बहुत शतरंज टेस्ट लेंगे तो बोले भी अच्छे हैं, शहनशाह नहीं है तो कुछ थोड़ा स्पेशल होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, आप एक पाक जगह पर हैं, पाकिस्तान टीम के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। बाबर आजम की आपने तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हमने आपके साथ शेयर किया लास्ट टाइम पे जो वर्ल्ड कप में, जिहड़ा वर्ल्ड कप विच पाकिस्तान ते इंडिया ने स्क्वाड सा उसने थोड़ा सा फर्क गया कि विराट कोहली उसका कप्तान से, हुण रोहित शर्मा कप्तान इस टीम इंडियन टीम ने, पाकिस्तान ने कप्तान लास्ट टाइम भी बाबर आजम से, हुण भी बाबर आजम है। थोड़ी जी जड़ी पाकिस्तान टीम ही अगर चेंजेस हो, यहाँ वर्ल्ड कप ने स्कॉर से इलावा मोहम्मद हफीज पाकिस्तान ने स्कॉर ना हिस्सा नहीं है, शुएब मलिक पाकिस्तान स्कॉर ना हिस्सा नहीं, और इंपॉर्टेंट पिलर पाकिस्तान ने स्कॉर ना शाहीन शाफरीदी, ये त्रै प्लेयर जड़े पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप ने स्कॉर से डिफरेंस है, और बाकी इंडियन टीम ने ऑलमोस्ट जड़ा सेम उन्होंने स्कॉर आ। लेकिन पाकिस्तान ने स्कॉर विच प्लेइंग 11 साथ, और आसिम भाई को लोगों ने पूछा तो तुसा ने प्लेइंग 11 क्या सी, तुसा नवाज की नवाज स्पिनर है, लेकिन मुझे लगना साथ एक वो एक अच्छे फिनिशर भी है, नवाज पाकिस्तान की फिनिश कर एक मैचेस देते भी है, लेकिन तुसा डिपेंड कर सी शदाब खान नवाज या फिर मुझे नहीं लगना उस्मान कादर की ज्यादा मौका मिल सी। नहीं वाकई मैं नहीं लगना कि उस्मान कादर को मौका लग सी, कि शदाब खान ना एक टैग है वाइस कैप्टन वो बड़ा उन्हें सूट करना उस नालो बॉलिंग करी किन्ने नाल बैटिंग अच्छी करी किन्ने शदाब ते फील्डिंग भी बहुत चंगी करी किन्ने, शदाब ऐसा एक फील्डर है ना जेड़ा मैं देखना टीम विच उस ज्यादा फील्डर ने कोई नहीं टीम जेड़ी इस मुजरा टीम विच प्रॉपर, वो मतलब एक एथलीट भी है, बैटिंग भी करना बॉलिंग भी करना फील्डिंग भी करना। आसिम ने मेरे को पूछा ड्यू फैक्टर ना, देखो सर वर्ल्ड कप का मैच था क्या उसी के जिस टाइम इंडिया बॉलिंग करना पैसे उस टाइम ड्यू फैक्टर काफ़ी हद तक पे भी होते, गर्मी होनी काफ़ी तो उसके फास्ट पेसर बॉलर है पसीना होना तो बॉल सही ग्रिप नहीं होना, स्पिनर अच्छा टर्न नहीं कर सकने तो बड़ा मसला होना, तो उस मैंने मारिया सवाल पहले पूछा सी कि टॉस ना वो बड़ा अहम सवाल सी कि टॉस यार जिससे पहले फिर जहरी बल ने बॉलिंग कर सी ऑक्सी के बाद ही बैटिंग करा था न्यू फैक्टर ना साहब हुए स्क्वाड की गल करें तो बाबर आजम शादाब खान तो आसिफ अली पर उन काफ़ी उतर लोगों ने नज़र रखा क्योंकि आसिफ अली फिनिश किए थे मैच अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उम्मीद है कि इस बार भी आसिफ अली अच्छा परफॉर्म कर सन और टीम की जिता सन। हैदर अली ने गल करा तो हैदर अली की असा काफ़ी चांस देते पी एस एल भी देते लेकिन उन्होंने किसान मेहरबान बड़ी दोबारा वो एशिया कप चले गए और आगे उन्होंने इस अलावा इफ्तार अहमद खुशनिल शाह अच्छे हिटर असर को तकना सिर कड़ा अच्छा परफॉर्म कर सी और टीम भी जिता सी। बिल्कुल साथ गल की तुसा खुशदिल शाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करने पे और स्पेशली शादाब ने तुसा गल की कि वाइस कैप्टन ना एक टैग आ, लेकिन अगर गल की जुला शादाब क्रिकेट बड़ी इंप्रूव की बॉलिंग ने नाल नाल उन्हें बैटिंग पर बड़ा फोकस किया और उन्हें देखा कि तुसा कि बड़ी अच्छी अजकल वो हिट जड़ा ना मारने, मैं समझना कि शादाब इस स्क्वाड ना लाजमी हिस्सा होना चाहिए इंडिया के खिलाफ, अगर तुसा चैंपियन ट्राफी नहीं गल करो तो शादाब बड़ी अच्छी बॉलिंग भी इंडिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज में शादाब ने नंबर चेंज किया नंबर 6 पर खिलाया तो नंबर 6 पर आके उन्होंने परफॉर्मेंस इतनी बैटिंग की 48 रन स्कोर किया सेकंड वनडे दो तीन वनडे भी उन्होंने स्कोर इतना भी खास नहीं अच्छी बैटिंग करने से, लेकिन एक गल थी कि पाकिस्तान इफ्तार अहमद है और स्पिनर ऑलराउंडर है
मोहम्मद नवाज वो ऑलराउंडर है पाकिस्तान टीम में, खुशदिल शाह भी बॉलिंग करी के और वसीम जिधर भी चंगी बॉलिंग बैटिंग करी के वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इस वक्त पाकिस्तान इस बॉलिंग जो ऑलराउंडर उन्होंने बाहर लगे। अच्छा यानी कि तुसा ने आखने ना मतलब है कि इस टाइम जो है ना वो बाबर आजम दियां कायदाना जिहड़ियां सलाहितां हियां सारे ना सारा दारो मदार उन्हां परा ए बोझ जितना है उन्होंने कंधियां परा, वो जिस तरह कल उन्होंने डोले शोले उस चेक कीते ते दोवां डोलियां पर बोझ आ कि बाबर आजम अपनी कायदाना सलाहितां की जाहिर गल है उन्हां नाल ए सारे लोग मौजूद है, वो इन्होंने क्रिकेट की बड़ा बखूबी और बड़ा करीब तू जानने। अच्छा बड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल किया, लेकिन देखो ना जिस तरह इंडिया के सारा आया वर्ल्ड कप पिछ और इंडिया प्रॉपर फोकस करी आया उसी रिजवान ऊपर काम किया उसी ना इस वक्त हमें एक कॉलर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैम मैं वसीम अहमद बात कर रहा हूँ घोटकी से। भाई क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि साद अब्बासी साहब से मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछिएगा कि शानवर धानी को स्क्वाड में लिया जा रहा है, उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है? उसको हर स्क्वाड में लिया जा रहा है पर लास्ट मैच उसको दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। शाहनवाज धानी बड़ा अच्छा सवाल है और शाहनवाज धानी हमें देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में वो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उनको लेके जाते हैं वो टीम में लेकिन खिलाते नहीं है। अभी भी ले गए थे और उनको सलमान आगा का शायद बेटा हुआ था कि बेटी हुई तो सिर्फ मिठाई खिलाने के लिए, और आखिरी जो हमने देखा काफ़ी कंपेन चली थी सोशल मीडिया पे कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको आजमाया जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने शाहनवाज धानी को आखिरी मैच खिलाया गया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उन विकटों में, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन के हवाले से वहाँ बड़े मुश्किल है वहाँ बॉलिंग करना। हम यहाँ पे कहते हैं कि बैट्समैन स्कोर नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे ना आसानी से बॉल बल्ले पे आ रही थी और ना ही आसानी से स्कोर हो पा रहा था, वहाँ बड़ा मुश्किल है बॉलिंग करना भी और बैटिंग करना भी। लेकिन शाहनवाज धानी पे मुझे पूरा भरोसा है, अगर उनको अगर चांस देते हैं इंडिया के खिलाफ तो मायूस नहीं करेंगे, बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनमें अच्छा पैशन भी है, जिस तरह वो बड़े बॉलिंग करते हैं। दूसरा मैं यहाँ बात करूँगा जिस तरह आज नेशनल टी20 का स्क्वाड अलाउ हुआ और उसमें जिस तरह तीनों कैप्स हैं मूसा खान के पास, उनको ड्रॉप किया गया नेशनल टी20 से और ना ही किसी ने सेलेक्ट किया KPL में, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उनके पास तीनों कैप्स हैं, टेस्ट भी खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, टी20 भी खेले हैं और नेशनल टी20 से बाहर है, और मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के प्लेयर जो तीनों कैप्स हैं उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए ताकि वो मौका देकर दोबारा तब भी टीम में आएंगे। तो ये बड़ी ज्यादती की गई है मूसा खान के साथ। बिल्कुल साथ, मैं अभी स्क्वाड देख भी रही थी बहुत सारी टीमों के, फर्स्ट 11 में आपने चांस नहीं दिया, आपने उसको सेकंड 11 में भी चांस नहीं दिया। इसी तरह अहमद सफी अब्दुल्ला है सांबा यूनाइटेड की जानिब से, वो खेलते हैं सेंट्रल का वो हिस्सा है, लेकिन वो भी ना तो प्लेइंग जो 11 है फर्स्ट 11 है उसका हिस्सा भी नहीं है, सेकंड 11 का हिस्सा भी नहीं है। मुझे लगा था कि बहुत सारे प्लेयर नेशनल ड्यूटी की वजह से काफी ज्यादा जगह भी खाली होगी सारी टीम्स के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि प्लेयर्स ने कोचेस ने नए प्लेयर्स को एडिशन नहीं किया जिन्होंने लास्ट सीजन परफॉर्म भी किया था, वो प्लेयर्स भी इस साल जो है वो स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। तो हमारे जिस तरह से हम बात करते हैं साथ की अभी जो डिपार्टमेंट्स आज वजीर आजम साहब ने ऐलान भी किया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ जाएगी तो ये प्लेयर्स जो हैं जिनको भी जगह नहीं मिल रही इन 6 टीम्स के अंदर वो दोबारा से उनको मौका मिलेगा कि वो दोबारा से हर डिपार्टमेंट के PM थे उन्होंने ये बंद करके काफ़ी ज्यादती की थी दलों के साथ, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमें मैसेज करते थे कॉल्स करते थे कि यार हमारे आवाज़ उठाओ क्योंकि हमारा इसी से रोजगार चल रहा है और हम इसी से ही खेल के कमाते हैं और अपने घर का भी जो मामला है वो चलाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक शहबाज शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि इसको हम बहाल जल्द से जल्द बहाल करेंगे और नदिया भी दे दिया, और इससे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी टैलेंट है नीचे से वो मजीद ऊपर आएगा निखर के आएगा, और बड़ी अच्छी बात है इससे कि मैं चाहता हूँ जिस तरह इंडिया में देखें कि स्कूल क्रिकेट होती है कॉलेज क्रिकेट होती है वहाँ से वो लड़कों उठा के लेके आते हैं, हमारे यहाँ पे ना स्कूल क्रिकेट होती है ना कॉलेज क्रिकेट होती है, तो हमारा जो टैलेंट है वो इसी तरह जाया हो जाता है क्योंकि बड़ा मुश्किल जी है। फिर असाने पहले कॉलर पर ही आकर रुकी कि उन्होंने दसाया कि स्कूल लैवल पर कॉलेज लैवल पर यूनिवर्सिटी लैवल पर अगर क्रिकेट ने टूर्नामेंट ना इनकाद किया जाए ना सिर्फ टेप बाल बल्कि हार्ड बाल ताकि पाकिस्तान ना जो मजीद टैलेंट आ वो उभरी के सामने अच्छा है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान ना नाम बुलंद करे, पाकिस्तान ना झंडा जो है सरबुलंद रहना चाहिए। बिल्कुल जनाब, और इस वक्त एक कॉलर फिर ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है भाई, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ भारत कोटा से। बताएं क्या कहना चाहेंगे, किस हवाले से बात करनी है, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से या फिर कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से?
वॉल्यूम भाई अगर आप बंद कर दें तो आप मेरी आवाज बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। किसको जी? सजाद साहब क्या कह रहे हैं आप? हसन अली को। ठीक है जी, पॉइंट आ गया जी आपका। तो फिर जी आप हम बात भी करेंगे साथ वो गल के सनी मेमोरी एज अ फैन ऑफ क्रिकेट असने लोगों ने मेमोरी जड़े है वो बहुत ज्यादा काटी है कि ये लोग से जड़े हसन अली वर्ल्ड कप ने जड़ा कैच छोड़ा उस बाद कंटिन्यूसली बाबर आजम उसकी टीम में रखा असन सारे लोगों उसकी मिली के बाबर आजम पर तनकीद भी की थी, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पर भी तनकीद की थी कि एक बोझ आ हसन अली वापस उन्हें डोमेस्टिक भेजो वापस खिडाओ वापस करो उस बाद परफॉर्म करी क्या वापस टीम में अच्छा है, लेकिन इसलिए ड्रॉप हो गया तो आने कि हसन अली की क्यों ड्रॉप की। देखिए यही तो हमें अक्सर मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि पहले वो कैंपेन चलाते हैं कि एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी टीम तो कटो किसी नए बंदे के चांस दो। तो हसन अली जिस तरह उन्होंने आप बता रही है कि कैच छोड़िया सी T20 से उस तो बाद बड़ा गमो गुस्सा सी शायकीन जिसके बड़ा मैच से फाइनल मैच सी चलो उससे प्रेशर होना कैच नहीं छोड़ना चाहिए छोटी भी गया उस तो बाद उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी कर सके उसके बाद वनडे भी खेलने नहीं कर सके। अब उनको डोमेस्टिक में जो नेशनल टी20 का पूरा कप्तान बनाया गया है पंजाब का तो वहाँ पर चले परफॉर्म करे मारिया गल फिर हुई एक बार आ गई मैं स्टार्ट भी दसिया था कि जो खेड सी परफॉर्म करसी हो रहा सी जेड़ा परफॉर्म ना करसी बिल्कुल बाहर बैठा पै सी बिल्कुल जनाब। और साथ बहुत चंगी गल बाबर आजम को भी एक क्वेश्चन हो ऐसा है कि तुसा पुराने फलाने की बिठाई छोड़िया फलाने की बिठाई छोड़िया तुसा क्या मैं नवे की चांस देना आप देखे कि जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा वो ऑटोमेटिक बाहर ही होगा। जारी बात है जो एक टीम है उसमें 11 बंदे खेलेंगे जो प्रॉमिस करेगा वही खेलेगा। नाले दुई गल है कि कोई गली मोहल्ले नहीं क्रिकेट तो थे ही नहीं कि चलो तुसा परफॉर्म नहीं किया तलक वास्ते पर संगत यारी तुसा की नाल टोरी रख सकने इंटरनेशनल बिल्कुल जी पाकिस्तान टीम पर भी चलना। और आसिम भाई तुसा ना बहुत शुक्रिया तुसा हमारे शो भी रोज अच्छा करो कि बहुत ज्यादा कॉल आसनी साथ आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसी जनाब इस हफ्ते नी प्रोग्राम इस हफ्ते नी एपिसोड इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तुसा ना दोबारा मुलाकात होसी मिकी आसिम भाई की और साथ की इजाजत दीजिए और तुसा तक ने रहो K2 TV। अल्लाह हाफिज़।